अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में ओसामा आज नहीं है, लेकिन उसकी निशानियां और यादें वहां पर रची बसी हैं। वहां के लोग दावे के साथ कहते हैं कि ओसामा नहीं मिलेगा। आखिर क्यों? ये पता लगाने के लिए हमारी टीम निकल पड़ी उन इलाकों की ओर जहां ओसामा के दोस्तों का डेरा है। ओसामा बिन लादेन जो पुराने शहर जलालाबाद की गलियों में घूमकर कोई सोच भी नहीं सकता कि यहां आसपास तालिबान के खूंखार दहशतगर्दों का डेरा है। लेकिन यहां के लोगों से बातचीत के बाद हमें मालूम हुआ कि अमन और खुशहाली की निशानी छलावा। हकीकत यह है कि आसपास के गांव में तालिबान के डेरे हैं जहां से वो शहरों में आते हैं और धमाके करके फिर चले जाते हैं पहाड़ियों के बीच जंगलों में बने मिट्टी के खरौंदों में। एक स्थानीय पत्रकार की बदौलत हमें मिला तालिबान के ठिकाने का ताजा वीडियो। अब हमारे सामने दो तस्वीरें हैं, एक शहरी अफगानिस्तान की जो अमेरिका और यूरोप की फौज के पहरे में है, और दूसरी तस्वीर असली अफगानिस्तान की जहां तालिबान की टूटी बोलती है। ये बात हमारी समझ में भी नहीं आ रही थी कि आखिर अफगानिस्तान में तालिबान का तिलस्म क्यों नहीं टूट रहा, नेटो की फौज नाकाम क्यों है। जलालाबाद शहर के लोगों ने हमें बताया कि सारा काम पाकिस्तान ने खराब किया है। पाकिस्तान का सारा मसाला पाकिस्तान ने खराब किया। जिंदगी में भी नहीं छोड़ दिया अफगानिस्तान को, एक सौदा शुरू किया, कर्जा ही नहीं शुरू किया, तालिबान का साथ मसलाल करेगा तो उधर अमरीकी का भी मशवरा नहीं था कि तालिबान और कर्जा दरमियान में खुद आम करेगा। अब हमें अफगानिस्तान के गांव में तालिबान की ताकत का राज मालूम करना था। तोरा बोरा की पहाड़ियों में भटकने के दौरान हमें इतना तो पता चल ही गया था कि तालिबान के आतंकवादी लोगों को अपना हमदर्द कैसे बना लेते हैं। हरियाणा के बहुत होते हैं यहाँ पे, पहाड़ में आते हैं हम, कभी कभी देखते हैं हम, हमारे पास बकरे सगरे होते हैं, हम इस गांव में सराते हैं, चलाते रहते हैं बस, और कोई आपको तंग नहीं करते? नहीं नहीं, तंग नहीं करते। तालिबान का गेम प्लान अब कुछ कुछ समझ में आने लगा था। हमें पता चला कि तालिबान के आतंकवादी अपने खिलाफ नेटो फौज की कार्रवाई को ही अपने लिए स्थानीय मदद का जरिया बना रहे हैं। वो उन गांवों को अपना ठिकाना और हथियार रखने का गोदाम बना रहे हैं जिन गांवों पर तालिबान की तलाश में कभी न कभी नेटो का हमला हुआ हो। जंग में अपना सब कुछ गंवा चुके इन गांवों के लोग तालिबान को अपना दोस्त और नेटो फौज को दुश्मन मानते हैं। तालिबान के ऐसे हमदर्द हर गांव में, इनकी बातों से पता चलता है कि अफगानिस्तान के लोग तालिबान और अमेरिका की जंग से तंग आ चुके हैं। इन्हें तालिबान में अपनापन महसूस होता है और अमरीकी इनके लिए बेगाने दुश्मन हैं। इन भोले भाले ग्रामीणों को समझाने के लिए तालिबान के आतंकवादी अमरीकी टैंकों के मलबे की नुमाइश करते हैं। वो इन गांव के लोगों को बार बार यही बरगलाते हैं कि किसी विदेशी की मजाल नहीं जो अफगानिस्तान से तालिबान को खत्म कर सके। अफगानिस्तान के गांव में तालिबान को पनाह मिल रही है, उन्हें हमदर्दी मिल रही है, और साथ ही मिल रहे हैं ऐसे मासूम जिनके जहन में नफरत का जहर भरना तालिबान के लिए बहुत आसान है। कैमरामैन तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, तोरा बोरा, अफगानिस्तान, आज तक।